देखिए इसमें अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले रूपनगढ़ में एक घटना हुई जिसके अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई, मर्डर का मैटर हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, उसके अंदर हमारी टीम तब से कंटिन्यूसली काम कर रही है। इसके अंदर जो आज हम खुलासा कर रहे हैं उसमें हमने टोटल 10 लोग गिरफ्तार किए हैं और उन 10 लोगों के साथ करीब 10 व्हीकल हैं जो घटना में प्रयुक्त हुए थे, जिसके अंदर 2 JCB भी हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी है और अन्य वाहन हैं जिनको जब्त किया गया है। इनके अंदर जो 4 लोगों को अभी इनामी कर रखा है वो लोग तो नहीं है, उनके ऊपर हमारी टीम जो है वो पूरी तरीके से प्रयासरत है, लेकिन इस पूछताछ के बाद एक और आदमी जिसके पास फायर आर्म था, जिसने फायरिंग की थी, उसको नामजद कर लिया गया है, उसके ऊपर भी इनाम घोषित कर दिया गया है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही इन लोगों पे हमें सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो स्टेप्स हैं इस प्रकार के क्राइम को रोकने के लिए वो लिए जा रहे हैं। इन लोगों की प्रॉपर्टी जो है उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स ली जा रही है, जो नए कानून के अंदर प्रॉपर्टी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं उनको जब्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर हमारी पूरी टीम जो है वो वर्क कर रही है और जो भी इनके सहयोगी हैं कड़ी से कड़ी जोड़कर, ना केवल जो मौके पर उपस्थित लोग थे पर जिस इंसान ने किसी भी कैपेसिटी में इनकी मदद करी है, इनको शरण देने में, इनको भगाने में, गाड़ी प्रोवाइड कराने में, कोई फ़ोन प्रोवाइड कराने में, हर आदमी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाएगी। और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है तो इसके अंदर जो हमारा अब नया कानून आया है जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध और भी ज़्यादा सख्त जो प्रावधान है उनका प्रयोग किया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो 10 आरोपी पकड़े कौन है और क्या इनका रिकॉर्ड है? जो 10 आरोपी अपने पकड़े हैं उन 10 का जो रिकॉर्ड है वो तो आपको प्रेस नोट के साथ मिल ही जाएगा। इसके अंदर 6 अभियुक्त ऐसे हैं जो मौके पर उपस्थित थे और 4 अभियुक्त ऐसे हैं जिन्होंने इनकी एक्टिवली सहायता करी है। ये इसी गैंग से जुड़े हुए लोग हैं जिसके अंदर ये जो नामजद आरोपी बलवा राम हैं उसके 2 भतीजे भी शामिल हैं और बाकी लोगों की जो है अभी टीम्स बनाकर टीम गठित की हुई हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं और कंटिन्यूसली हम लोग दबिशें दे रहे हैं। ना केवल आरोपियों की तलाश के लिए दबिशें दी जा रही हैं किंतु जो इनके सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर दबिशें दे के इनका जो बेस है वो ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 10 आरोपी हैं। फायरिंग किसने की थी मैम घटनास्थल पर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग के तो नाम अपने को पहले से भी खुलासा हो रखा है, एक व्यक्ति का और हमारे सामने अब पूरे के पूरे अनुसंधान में नाम सामने आया जिसका नाम राजवीर फौजी है और जिसको भी हमने आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर भी हमारी टीम जो है वर्क कर रही है। क्या राजवीर गिरफ्तार हो चुका है? प्रयासरत हैं सारे ही लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ये काउंटिंग जो आप बता रहे हो 10, ये तो सेकंड डे की काउंटिंग है, क्या उसके बाद कुछ और लोग डिटेन? देखिए जो काउंटिंग जो सेकंड डे वाली जो आप बात बोल रहे हैं, हम लोगों ने एक्चुअली पूछताछ के लिए समय समय पर ला के तो हम 85 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। 85 लोगों से पूछताछ करने के बाद ये 10 जो हैं इनको हमने गिरफ्तार किया है क्योंकि इनका रोल जो है हमें इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया है। गिरफ्तार लोगों में क्या बलवाराम का बेटा भी शामिल है? जितने भी गिरफ्तार लोग हैं उनकी पूरी डिटेल्स हम आपको शेयर कर ही रहे हैं लेकिन इसमें बेटा अभी शामिल नहीं है। मैम वजह क्या रही पूरे घटनाक्रम की, किस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम की वजह जो है वो नेचुरली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है वो उस तरीके से सामने आया है अब तक का जो घटनाक्रम हुआ है कि एक वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है उस लैंड के ऊपर सरपंच के द्वारा कुछ पट्टे दिए गए थे तो एक पार्टी जो है वो उस पर वर्क कर रही थी और ये बलवा राम वाली पार्टी ने आके वहाँ पर इस तरीके से इनका आपस में झगड़ा हुआ, रोकने का प्रयास किया और उसके बाद ये पूरी की पूरी घटना कारित की गई है। ये तो एक जाँच का विषय है कि और क्या इसके अंदर डिटेल्स हैं जिसके लिए भी जांच की जा रही है और अभी जो प्रॉपर्टी है जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक उस पर यथास्थिति जो है वो बरकरार है। अनुसंधान का विषय है, अभी अनुसंधान के बाद क्लियर हो पाए चीज़ें। रूपनगढ़ थाने में भी ऐसे प्रॉपर्टी ऑफिसर्स के मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनमें जब तक जांच नहीं हुई है। ये जो बात है ये मेरे सामने आई है पिछले 2-4 दिनों में, तो जो इस प्रकार के जितने भी प्रकरण दर्ज हैं उनको कार्यालय में बुलाकर मंगवाकर रिव्यू किया जा रहा है। जिसकी गलती होगी, जहाँ जहाँ गलती होगी उसके खिलाफ मोस्ट डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मैम बलवा राम का बेटा नामजद है और क्या उसे वो अभी भी वही रूपनगढ़ में है या फरार? देखिए ये सब अभी अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में आगे की स्थितियां क्लियर होती रहेंगी। बलवा से भी पूछताछ की संभावना है?
बिल्कुल संभावना है, पूछताछ के साथ साथ जो एक्शन, लीगल जो एक्शन बनेगा वो सब एक्शंस की संभावना है और किया जाएगा। मैम इसमें आप कौन कौन आरोपी हैं, जिन पर इनामी राशि घोषित किए हैं, कितने आरोपी हैं, कौन कौन हैं, इसकी जानकारी? जो लिस्ट है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। टोटल अब तक 5 आरोपी हैं जिनके ऊपर इनाम जो है वो घोषित कर दिया गया है, और वो जो आदेश है वो भी मीडिया में भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया था। 5 आरोपियों की डिटेल्स जो है वो आपको दे दी जाएंगी। 5 के अलावा जो 6 नामजद थे, 6 गिरफ्तार हो गए? 6 लोग, 6 नामजद नहीं है, कुछ लोग जो FIR में हो सकता है, कई लोग नहीं नामजद हैं, लेकिन हमारे अनुसंधान पे जब निकल के आ रहा है कि इन लोगों ने इस घटना में रोल प्ले किया है तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जी 5 जो आरोपी हैं वो उन पर जो इनाम है उनमें से कोई अभी तक, उनको हम आशा करते हैं कि हमें जल्दी ही इसमें सफलता प्राप्त मिलेगी। हमारी टीम जो है वो दिन रात काम कर रही है और आप लोगों के सपोर्ट के साथ आई एम वेरी श्योर दैट सून वी विल हैव सम गुड बेटर न्यूज़ टू टेल। कौन-कौन हैं जो फाइल करने वाले? जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी सारी चीज़ें तो जैसे जैसे हम लोगों को लाएंगे, पूछताछ करेंगे, खुल के आएंगी, तो इसके अंदर एक एक करके किसने एग्जैक्टली फायरिंग की, वेपन रिकवरी, वो सारी चीज़ों के प्रयास जारी हैं, वो हम कर रहे हैं। जी मैडम, पुलिस की क्या बीट प्रणाली पूरी तरह से विफल रही कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, पुलिस को पता नहीं चला? क्योंकि बीट कांस्टेबल या बीट प्रणाली अगर सक्षम होती तो निश्चित रूप से इतने बड़े हादसे को रोका जा सकता था। देखिए निश्चित रूप से तो कुछ भी कहा जाना हमेशा ही असंभव है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन अगर पुलिस की रोल की या किसी लापरवाही की बात करें तो अगर इस प्रकार के कोई भी तथ्य सामने आएंगे, हमारी पूरी टीम अभी लगी हुई है, उसको रिव्यू करेंगे, अगर किसी जगह पर कोई ऐसी बात समझ में आती है कि जिसमें कोई पुलिस की तरफ से लापरवाही की बात आएगी, कि भी कोई इसमें गलती नज़र आएगी, तो उनके खिलाफ हम जो हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी मोस्ट डेफिनेटली लेंगे। कानून व्यवस्था को बनाए रखना वो हमारी प्रायोरिटी है और उसी प्रायोरिटी के साथ हमारी पूरी टीम काम कर रही है। भूमाफियाओं का गैंगवार है मैम ये, भूमाफियाओं ने एक गैंग बनाई और गैंगवार बाहर के जिले के लोग भी अब यहाँ आने लगे हैं और जिस तरीके से खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं पुलिस को, तो गैंगवार की शुरुआत है या फिर जमीनों को लेकर? देखिए जमीन को लेकर ये विवाद हुआ, ये विवाद होने के बाद पुलिस इसके अंदर सख्त कार्रवाई कर रही है। गैंग वॉर की शुरुआत जैसे शब्द या टिप्पणियां करने से मैं बचूंगी, पहले पूरी चीज़ का अनुसंधान हो, अनुसंधान होने के बाद यह देखा जाए कि अगर इन्होंने और भी कोई ऐसे इंसिडेंट्स किए हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही हमारी प्रायोरिटी है। क्योंकि भंवर सिंह हत्याकांड, उसके बेटे का हत्याकांड हुआ था, उसके बेटे को लेकर के उसमें बलवाई था, वो भी जमीन से जुड़े हुए मामले थे मैम, तो ये तो चल ही रहे लगातार इस तरीके से, तो अगर पहले कुछ हुआ है तो वो जेल में है और आगे कुछ होगा तो उसके खिलाफ भी जो विधिक कार्रवाई है वो करते पुलिस करती रही है और करती रहेगी। मैम इन्वेस्टिगेशन में अभी ये सामने आया है कि जो मर्डर हुआ वो एक उनको बीच भागने की कोशिश कर रहे थे अपराधी, अंधाधुंध जो फायरिंग की, या कोई व्यक्ति टारगेट था, ऐसा कुछ पूछताछ में आया अभी तक सामने? देखिए बहुत सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय है जो इस स्टेज पे खोला जाना संभव नहीं रहेगा, और अगर ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी वाली बात आती है तो वो भी अनुसंधान में क्लियर हो जाएगी। अभी तक जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं पुलिस ने किस तरीके से पकड़ा, क्या किस तरीके से पुलिस ने दबिश दी? देखिए हमारी टीमें जो हैं, हमने 40 से ज़्यादा लोगों की को छोटी छोटी टीमों में विभाजित करके हर एक आदमी को स्पेसिफिकली जो अभियुक्त है उनका टारगेट देके कि इनके पीछे ये टीम काम करेगी, इनके पीछे ये टीम काम करेगी, उसके अलावा जो आसूचना संकलन है वो आसूचना संकलन करके, आम जनता के जहाँ पर भी इनके घर हैं वहाँ पे इनके परिवारजनों से बात करके, पूछताछ करके, हर एक जो हमारे पास एट डिस्पोजल जो हमारी पुलिस की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, वो सारे टूल्स हमने इसके अंदर यूज़ करके और इनको अलग अलग जगह से हम लेके आए हैं और इन्हें हमने गिरफ्तार किया है।